पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर पहुंच गई। नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी गईं। कार बनाने वाली कंपनियां सार्फिन को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। नई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत कार बनाने वाली कंपनी सारिफ को 2 माह में गाड़ी डिलीवर करने की पाबंद है, मगर गंगा उल्टी ही बह रही है। ऑटो पॉलिसी में है कि अगर 2 महीने में गाड़ी नहीं देंगे तो वो जितना इन्होंने पैसा लिया हुआ उसके ऊपर उन लोगों को ये मार्कअप देंगे। मार्कअप देना तो दूर की बात है, गाड़ियां 2 महीने के बजाय अब गाड़ियों की जो डिलीवरी है वो 6-6 माह बाद हो रही है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर व्हीकल एसोसिएशन HM शहजाद कहते हैं कि कंपनी टोयोटा हो या होंडा या सुजुकी, हर एक के लोकल असेंबलर ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अगर कोई गाड़ी जल्द अज जल्द मंगवाना चाहते हैं या पसंद का कलर चाहते हैं तो उसके लिए कार की कीमत के अलावा 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक इजाफी रकम अदा करनी होगी। पाकिस्तान में असेंबल होने वाली एक भी गाड़ी कंपनी प्राइस पे दस्तियाब नहीं है, चाहे वो टोयोटा हो, होंडा हो, सुजुकी हो। टोयोटा इस वक्त तकरीबन 1,80,000 से लेके 2,20,000 और इससे ऊपर 2,50,000 रुपये तक ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इसी तरह होंडा में 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख रुपये और सुजुकी की तमाम गाड़ियों के ऊपर भी जो है वो ऑन मनी चल रही है। गाड़ियों की खरीदो फरोख से जुड़े कारोबारी हलकों का कहना है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, मगर इसका फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत टोयोटा, होंडा और सुजुकी कंपनी को ऑटोमोबाइल पॉलिसी पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ रोमेल कैनत, 92 न्यूज़, कराची।